नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। तस्वीरें यूपी के मऊ जनपद से है। मऊ जनपद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और ऐसे में आप देख सकते हैं ये रोडवेज परिसर है जिसे पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रोडवेज की पूरी भवन है, रोडवेज का भवन है, उसे किस तरह से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये बाहर बैलून से गेट भी बनाया गया है। आपको बता दें, ये आगे की जो आगे का जो पार्क देख रहे हैं वो भी कल यहाँ पर निर्मित किया गया, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें, ये साफ सफाई के बाद यहाँ पर आज एक कार्यशाला का वाहन भी खड़ा हुआ है। सारे वाहन जो हैं वो पीछे हैं, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती है। साथ ही साथ यहाँ पर संभवतः यहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन भी होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कारपेट बिछाए गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को एक सहूलियत ज़रूर होगी। यहाँ पर जब सीएम आएंगे तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन पहले की ये तस्वीर है। अब देखिए, यहाँ पर बाकायदे सजाया जा रहा है और ये मालाओं से जो गेंदे के फूल हैं उससे बाकायदे इसकी बिल्डिंग को सजाया गया है। ये रोडवेज परिसर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र लगे हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो आगमन है मुख्यमंत्री जी का, उसको लेकर यहाँ पर दिया गया है कि हर जनपद का हो रहा विकास, पूरी हो रही जन जन की आस। जनपद मऊ में 204 करोड़ रुपए की 47 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस पूरे कार्यक्रम में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश AK शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोज राय भी मौजूद रहेंगे। वहीं मधुबन के विधायक रामविलास चौहान, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और MLC यशवंत सिंह, MLC विक्रांत सिंह रिशु। 8 सितंबर 2022 और 2:30 बजे का कार्यक्रम है कलेक्ट्रेट परिसर में। लेकिन इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसको सजाया गया है, इसको संवारा गया है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये देखिए, ये तस्वीर, यहाँ पर गेट बनाया जा रहा है बैलून से। और अंदर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी पहले से तैनात हैं। अभी लगभग 11 बज रहे हैं, लेकिन अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भी सजावट हो रही है और पूरा केसरियामय रोडवेज परिसर हो गया है। यहाँ पर भी कारपेट बिछाए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। मज़े की बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डस्टबिन ध्यान रखिए, क्योंकि ये डस्टबिन शायद कल न दिखे। यहाँ तो लगा दी गया है क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है, लेकिन डस्टबिन शायद कल न दिखे। कल हम इसको वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन ये आज ही आकर नगर पालिका द्वारा या फिर रोडवेज प्रशासन द्वारा लगाई गई है। यहाँ पर पूरी तरीके से इसको गेंदे के फूल से सजाया जा रहा है और पूरा केसरियामय हो चुका है ये पूरा परिसर। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखिए, अग्निशमन विभाग की जो है अग्निशमन यंत्र, ये फायर ब्रिगेड भी खड़ी है। और कार्यशाला जो है, ये देखिए, ये कार्यशाला जो टोचन करके गाड़ी ले जाती है वो भी खड़ी है। अमूमन रोडवेज परिसर पूरा तरह से बदहाल रहता है। और एक बात और, जो उस साइड में आप देखते थे हमारे वीडियो में कि लोग ऐसे ही वॉशरूम जाते थे, वहाँ पर यूरिनल बन गया है। रोडवेज को मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सजा दिया गया है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जब मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।